Hello, children. How are you? I hope you all are fit and fine. Children, today we will start chapter 11, यानी एकादशवां पाठा परिश्रमस्य महत्व. ठीक है, पेज नंबर 43. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, ओपन पेज नंबर 43, परिश्रमस्य महत्व. लोट लगार का प्रयोग करते हुए ये पाठ पूरा है. इसको मैं आपको पढ़ाते हुए इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगी. टेक आउट योर पेंसिल्स ऑल्सो इन योर हैंड, टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड, एंड जो भी मैं इसका अर्थ बताऊंगी उसको आप लिखते चलोगी. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. पुरा एकस्मिन् अरण्ये एकस्य मुने आश्रमः आसीत्. पुरा एकस्मिन् यानी कि प्राचीन काल में, अरण्य माने होता है जंगल, जंगल में एक मुनि का आश्रम था. एकस्य माने एक मुनि का आश्रम था. आश्रमे अनेके छात्रा पठन्ति स्म. आश्रम में अनेक छात्र पढ़ते थे. तेषु छात्रेषु एका बोपदेवा नामना छात्रा आसी. तेषु छात्रेषु यानी उन छात्रों में एक बोपदेव नाम का छात्र था. स अध्ययन विषये असावधाना आसी. वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था. असावधान माने वो ध्यान नहीं देता था. असावधान लिखा हुआ तो है नहीं कि कोई दुर्घटना है, इसलिए यहाँ पर इससे मतलब है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था. अस्मात् कारणात् तस्य अध्यापका सदैव तस्मै क्रुध्यन्ति स्म. अस्मात् कारणे माने इस कारण, तस्य माने उसके, अध्यापक सदैव यानी हमेशा उससे नाराज रहते थे. छात्राश्च सर्वे उपसंति स्म, और सभी छात्र उस पर हंसते थे. उपहसंती माने उपहास करना, हंसी उड़ाना किसी की, उसको बोलते हैं, है ना. तो सभी छात्र उस पर और सभी छात्र उस पर हंसते थे. एकदा क्रुद्धो भूत्वा आचार्या तम वदता. एक दिन, एकदा माने एक बार या एक दिन, एक बार नाराज होकर आचार्य उससे बोले. तद तम वदता माने उससे बोले, रे पुत्र तम पठितुं न शक्नोषि स्वगृहं गच्छ. क्या कहा उनके आचार्य ने, हे पुत्र तुम पढ़ नहीं सकते, अपने घर जाओ. हे पुत्र तुम पढ़ नहीं सकते, अपने घर जाओ. स्वगृह माने अपने, गच्छ माने जाना. तत्र कृषि कार्य स्वपितु सहायको भवा. वहां खेती के कार्य में अपने, स्वपितु माने अपने पिता के साथ सहायक बनो. वहां कृषि कार्य में अपने या खेती के कार्य में अपने पिता के सहायक बनो. बोपदेवः गुरो आज्ञाया गृहं प्रति चलिता. बोपदेव की आज्ञा, बोपदेव गुरु की आज्ञा लेकर घर की ओर चल दिया. मार्गे तृषार्थ सः एकस्य ग्रामस्य समीपे एकम कूपम पश्यत. मार्गे तृष्या यानी रास्ते में प्यास से व्याकुल, तृष्या जैसे बोलते प्यास, प्यास से व्याकुल वह एक गांव के पास, या एक रास्ते में प्यास से व्याकुल उसने एक गांव के पास एक कुएं को देखा. कथम
कश्चन ग्रामवद्ध कूपात जलम नयन्ति स्म। कुछ गांव की औरतें कुएं से, कूपात माने कुएं, कुआं बोलते हैं ना जहां जल भरा रहता है। अब तो कुछ कम दिखाई देते हैं शहरों में, जहां पर थे लोगों ने बंद कर दिए, लेकिन अभी भी कहीं कहीं किन किन घरों में या कहीं सड़कों पे कुएं पाए जाते हैं। कुछ गांव की औरतें कुएं से जल ले जा रही थी, नयन्ति माने ले जाना। बोप देवा कूपस्य समीपे अगच्छत, बोप देव कुएं के पास आया। तत्र बहवा घटा शिलाशु स्थापिता आसन, वहां बहुत से खड़े पत्थरों पर रखे हुए थे। शिलाशु माने पत्थर, गर्तानी माने खड़े हो गए, अभवन माने थे। पत्थरों पर वहां बहुत से घड़े पत्थरों पर रखे हुए थे। तत्र बहवा घटा शिलाशु स्थापिता आसन, वहां बहुत से घड़े पत्थरों पर रखे हुए थे। शिलाशु अनेकानी गर्तानी अभवत, शिलाशु माने पत्थरों पर अनेक गड्ढे, गर्तानी माने गड्ढे, पत्थरों पर अनेक गड्ढे हो गए थे। तानि दृष्ट्वा सह एकां महिलां अपृच्छत्, हे भगनी घटानामध गर्तानि कथम अभवन। उनको देखकर वह एक, यानी बोपदेव जो थे उनके लिए वह आया है, उनको गड्ढों को देखकर, उनको देखकर वह एक महिला से पूछे, हे बहन घड़ों के नीचे गड्ढे कैसे हो गए। वह कही सा कथयत घटानाम बारंबार स्थापने शिलाशु गर्तानि अभवन। वह कही घड़ों को बार बार रखने से गड्ढे हो गए हैं। घड़ों को बार बार रखने से पत्थरों पर गड्ढे हो गए हैं। इदं श्रुत्वा भोप देवा अचिन्त्यत, यदि घटानां निघर्षणे शिलाशु कर्तानि भवन्ति तर्हि नितराम अभ्यासेन अहमपि नूनमेव विद्यायां निपुणा भविष्यामि। इदं श्रुत्वा यानी यह सुनकर बोप देव सोचने लगा या चिंता में पड़ गया, यदि घटानाम, यदि घड़ों को निघर्षणे यानी कि घिसने से, यदि घड़ों को घिसने से पत्थरों पर, शिलाशु माने पत्थरों पर गड्ढे हो सकते हैं, तरी निरंतरा अभ्यासेन अहमपि नूनमेव विद्यानाम निपुणा भविष्यामि, तो अत्यधिक अभ्यास से मैं भी अवश्य ही विद्या में निपुण हो जाऊंगा। फिर से सुनिए इसका, यदि घड़ों को घिसने से पत्थरों पर गड्ढे हो सकते हैं, तो अत्यधिक अभ्यास करने से मैं भी अवश्य ही विद्या में निपुण हो जाऊंगा। सह गुरु आश्रमं प्रत्यागच्छत्, तत् परिश्रमेण अभ्यासं कृत्वा सह पंडित अभवत्। सह गुरु यानी वह गुरु के आश्रम में दोबारा आया, प्रत्यागच्छत यानी दोबारा आया, वह गुरु के आश्रम में दोबारा आया। तत् परिश्रमेण अभ्यास कृत्वा सह पंडितः अभवत्, वहां परिश्रम से अभ्यास करके वह पंडित हो गया। व्याकरणाचार्य बोपदेवा पाणिनि इति नामना पंडित समाजे भ्रशम सम्मानम अलभत। व्याकरण के आचार्य बोपदेव पाणिनि
ऐसे नाम से पंडित समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त किए। व्याकरण के आचार्य बोधदेव पाणिनी ऐसे नाम से पंडित समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त किए। इस प्रकार चिल्ड्रेन आपका ये चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ। इसका अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज दूंगी। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।